हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादौंड। तो फ्रेंड्स, अंजू जादौंड के बिजनेस ढूंढने के सफर में आपको बहुत सारे वीडियो भी मिले होंगे, बहुत सारे बिजनेस भी मिले होंगे। और मैं फैक्ट्री पर जाकर खुद विजिट करती हूँ, लाइव वहाँ देखती हूँ कि फैक्ट्री कैसी है, ऑनर कैसे हैं, आपको मशीन सही मिलेगी, आपसे डील सही होगी या नहीं होगी। तो सारा कुछ देखने के बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज का जो बिजनेस होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी हाथों हाथ बिकता है। डिमांड तो मैं क्या कहूँगी, डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, मैं हर जगह जाकर विजिट करती हूँ, देखती हूँ, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ। आप देख सकते हैं लघु उद्योग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जब मैं खुद वहाँ पर जाकर विजिट करती हूँ, देखती हूँ, तो क्या आप इतना टाइम नहीं निकाल सकते? तो आप भी आइए, विजिट कीजिए। और यहाँ पर मशीनों का तो हब है, इतनी सारी मशीनें हैं कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर आएँ, आपका माइंड ही चेंज हो जाए कि आपके हिसाब से यहाँ इतनी सारी आपको एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे मशीनें देखने को मिल जाएंगी कि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा, आपको क्या करना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, तो उस हिसाब से आप अपना माइंड सेट कर सकते हैं और आपने बिजनेस में आप सक्सेस भी पा सकते हैं। तो आज का बिजनेस ऐसा है, बस काटो फंसाओ और आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। और मशीन की जो स्टार्टिंग है तो मात्र 12,000 से यहाँ से मशीनें स्टार्ट हो जाती हैं। 12,000 रुपये लगा कर आप अपना खुद का लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी मेकिंग कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये की पड़ती है, और उसको मार्केट में अगर आप सेल करते हैं तो 80 से 100 रुपये में सेल कर सकते हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं, 20 रुपये में बनाओ, 100 रुपये में सेल करो, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। और ये प्रोडक्ट ऐसा है, महीने दो महीने जो कस्टमर परचेज करके ले जाएगा वो टूटता है महीने दो महीने में, उसके बाद वो नया ही परचेज करेगा। तो अब इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आज का बिजनेस कुछ यूनिक है, कुछ हटके है। वीडियो को बीच में स्किप नहीं किया करें, स्किप करते हो ना तो इसीलिए आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल पाती है। तो आज का वीडियो में मैं आपको सभी कुछ बताने वाली हूँ। मैं सर से मिलवाऊँगी किस तरह से सेटअप लगाना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और एरिया वगैरह सभी कुछ इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से किए हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मिलवाती हूँ अंकित सर से। तो इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, बहुत सक्सेस पाई है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। थैंक यू मैम। तो इस बिजनेस को सर हमारे व्यूअर्स कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? मैम, जैसे कि ये हमारा जो लघु उद्योग का जो बिजनेस है ना, मतलब कि एक गाँव से भी जो लोग बिलोंग करते होंगे तो गाँव में भी अपना इस मशीन को लगा करके इस धंधे को किया जा सकता है, और जो शहर से बिलोंग करते हैं वो भी इस मशीन को शहर में भी लगा करके अच्छे से अपना मतलब कि अपना प्रोडक्शन करके अपना माल मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हैं। तो सर, आपके पास मशीनों के लिए ऑर्डर लगाना पड़ेगा या कस्टमर आएंगे तो उनको रेडी टू स्टॉक मिल जाएगी? नहीं मैम, हमारे यहाँ खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमारे यहाँ आपको ऑलरेडी मशीन का स्टॉक रहता है, मतलब कि कस्टमर को ऑर्डर के देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए, वो परचेस करेंगे, मशीन देखेंगे, जो मशीन कहेंगे उनको वो मशीन हम प्रोवाइड करते हैं। एक छोटे से कमरे में आप लगा करके 10x10 का कमरा हो या 10x10 से छोटा भी अगर होगा तो उस भी कमरे में ये मशीन आसानी से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सर, लाइट का कैसे क्या रहेगा? देखिए, हमारी जो भी मशीनें हैं, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मात्र सिंगल फेस, मतलब कि सिंगल फेस में हमारी ये मशीनें लग जाएंगी, और इसमें अलग से थ्री फेस या कमर्शियल कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर, ये कौन सी वाली मशीन है सर? ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो सर, और भी मशीनें हैं आपके पास क्या? हाँ हाँ, इसके अलावा जैसे कि कम बजट वालों के लिए भी हमारे पास मशीनें हैं। ठीक है, पहले हम कम बजट से स्टार्टिंग करते हैं। तो जो मशीनें हैं ये सब मैनुअल मशीनें हैं, मतलब कि इस मशीन को आसानी से या तो घर में लेडीज हों या तो जेंट्स हों, मतलब कि आसानी से इस मशीन को चला करके अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। यस सर। तो सर, इसमें प्रोडक्शन दिन भर में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? देखिए, ये मैनुअल मशीन है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना दिन भर में काट सकते हैं, लेकिन उसका एवरेज जो है कम से कम दिन भर में अगर काटते हैं तो कम से कम 400 लेके से 500 चप्पल आराम से इसमें काट सकते हैं। कम से कम वो कुछ नहीं तो अगर इस मशीन को लगाता है तो कम से कम महीने का 30 से 35,000 कहीं नहीं गया है मैम। हाँ सर, वैसे
ये स्लीपर जो है मार्केट जब भी टूटते हैं तो इसकी स्टेप कहीं भी पूछो स्टेप नहीं मिलती जी, है जी। तो नई परचेज करनी पड़ती है। और सर ये रॉ मटेरियल हमारे व्यूअर्स को कहाँ से मिलेगा? मैम हमारे यहाँ खुद रॉ मटेरियल भी मशीन और सारी चीजें हम ये देख रही हैं, ये सब रॉ मटेरियल इसकी सीट आती हैं। यस सर। ये आपका जैसे कि 10x10 5x6 इस टाइप की सीटें आती हैं जो कि हम लोग मशीन में लगा करके इसको साइज वाइज काटते हैं। जैसे बच्चों का साइज अलग होता है, बड़े लोग का साइज अलग होता है, लेडीज का साइज अलग होता है, तो सबके साइज का हम लोग डाई भी प्रोवाइड करते हैं, सीट भी प्रोवाइड करते हैं और मशीन भी प्रोवाइड करते हैं। तो सर मशीन के साथ में और क्या क्या मिलने वाला है? जैसे कि अब हमारे मशीन के साथ स्लीपर मशीन के साथ हम कस्टमर को कम से कम 5 डाई देते हैं मशीन के साथ। उसके बाद ड्रिलिंग ग्राइंडिंग मशीन होती है जो कि हम लोग मशीन के साथ देते हैं, और ये स्ट्रैप मशीन है जो कि हम लोग बद्दी को इसमें फंसा के इसमें ऐसे तैयार किया जाता है। तो मतलब कि ये स्ट्रैप मशीन है, ये आपका ड्रिलिंग ग्राइंडिंग मशीन है और ये मशीन है। तो मतलब कि हम लोग मशीन के साथ ये भी देते हैं। उसके बाद दो पीस सीट, मतलब कि हाँ दो पीस सीट, मतलब कि 500 चप्पल बनाने का रॉ मटेरियल भी मशीन के साथ फ्री में देते हैं। तो सर इसमें प्रोडक्शन कितना होता है? इस मशीन में कम से कम पर घंटे का कम से कम 1400 से 1600 पीसेस पर घंटे का। हाँ पर घंटे का। सर मंथ इसको अगर कोई लगाता है तो मंथली कितनी अर्निंग कर सकता है? मैम अगर इस मशीन को अगर कोई लगाता है तो कम से कम महीने का 1,00,000 से लेकर के 1,20,000 तक महीना कमा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया और हैव अ नाइस डे।